नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इकाना स्टेडियम में आज योगी आदित्यनाथ का विशाल शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। इसको लेकर के तैयारियां तेज कर दी गई है और पूरे तरीके से बीजेपी के जो उत्साहित कार्यकर्ता हैं, जो योगी आदित्यनाथ के लिए लगातार उनको जिताने के लिए मेहनत कर रहे थे, वो लखनऊ में शपथ ग्रहण समारोह को देखने के लिए पहुँच चुके हैं। और जो खबरें निकल के सामने आ रही है उसमें कि योगी के साथ करीब 46 मंत्री भी शपथ लेंगे इस शपथ ग्रहण समारोह में, जिनमें से 7 महिलाएं भी शामिल होंगी। यानी कि योगी मंत्रिमंडल में अभी पहले बार जब शपथ ग्रहण होगा तो उसमें 46 मंत्री होंगे, जिनमें 7 महिला मंत्रियों को भी शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही बड़ी खबर ये है कि 2 पुराने डिप्टी CM यानी केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा की भी वापसी होती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि वो 2 लोग ही एक बार फिर डिप्टी CM के पद पर काबिज होते हुए दिखाई देंगे। हम आपको बता दें कि इस बार योगी कैबिनेट में खासा बदलाव भी किया गया है, क्योंकि इस बार युवाओं का प्रतिनिधित्व जो है मंत्रिमंडल में बढ़ाने पर जोर दिया गया है। करीब ये जो खबरें निकल के सामने आ रही हैं, 45 वर्ष से 55 वर्ष तक के जो विधायक हैं उनको मंत्रिमंडल में शामिल करने पर जोर दिया गया है। इसके साथ ही जो 70 वर्ष से अधिक उम्र के जो विधायक हैं उनको इस बार मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जाएगा, उनको कैबिनेट में जगह नहीं मिलेगी। इसके साथ ही प्रदेश में हर वर्ग के का ख्याल रखते हुए और प्रदेश को विकास के राह पे आगे बढ़ाने का भी योगी आदित्यनाथ ने पूरा ख्याल रखा है और मंत्रिमंडल में डॉक्टर, वकील, IAS, IPS को भी जगह दी जाएगी, जैसे और CA और पेशेवर वकील, ऐसे लोगों को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा ताकि प्रदेश का जो विकास है उसको और गति दिया जा सके। हम आपको बता दें इसके अलावा महिलाओं का मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाएगा। लगभग 7 महिलाएं जो आज मंत्री पद की शपथ ले सकती हैं, वही खराब प्रदर्शन करने वाले मंत्रियों को इस बार बाहर रखा जाएगा मंत्रिमंडल से। तो योगी आदित्यनाथ का जो दूसरा कार्यकाल है वो शुरू होने वाला है। अब से कुछ घंटे में योगी आदित्यनाथ शपथ लेंगे और उनके साथ 46 मंत्री भी जो है 46 जो विधायक है वो भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। कैबिनेट मंत्री के तौर पे उनको शपथ ग्रहण कराया जाएगा। हम आपको बता दें लगभग 3 दशक बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में इतिहास दोहराया है जब कोई मुख्यमंत्री का कार्यकाल जो है वो रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शपथ लेंगे मुख्यमंत्री पद की, तो कहीं ना कहीं ये बड़ी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी के लिए है, क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपना पैर जमा चुकी है, क्योंकि केंद्र की अगर राजनीति देखा जाए तो UP सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ पे ये कहा जाता है कि दिल्ली की जो कुर्सी है उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर ही गुजरता है। तो 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें उत्तर प्रदेश का खासा महत्व होगा और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता ने जनाधार दिया है, और अब देखने वाली बात यह है कि अब जब मंत्री पद की शपथ होगी उसके बाद किस तरीके से कार्यकाल की शुरुआत होती है। और हम आपको बता दें कि इस विशाल शपथ ग्रहण समारोह के लिए बड़े संख्या में मेहमानों को भी बुलाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के अलावा जितने भी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी CM हैं उनको भी आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा कई उद्योगपतियों को भी शपथ ग्रहण में समारोह में शामिल होने के लिए बुलाया गया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई मेहमानों को खुद फोन करके भी इस शपथ ग्रहण में आने का न्योता दिया है। हम आपको बता दें शाम को 4 बजे इकाना स्टेडियम में भव्य मंच पर योगी आदित्यनाथ शपथ लेंगे। ताजपोशी की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है। ऐतिहासिक तैयारी की झलक ना सिर्फ इस स्टेडियम के भीतर दिख रही है बल्कि पूरे लखनऊ में देखने को मिल रही है, क्योंकि लखनऊ में पूरे प्रदेश से कार्यकर्ता बीजेपी के पहुंचे हुए हैं, जो योगी आदित्यनाथ के समर्थक है वो पहुंचे हुए हैं। और इस शपथ ग्रहण समारोह के पहले प्रदेश के बड़े बड़े मंदिरों में विशेष पूजा पाठ का भी आयोजन किया गया है।